आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये आपके घर में आ जाए या आप अपने खान पान की आदत में इसको फिर से ले आए, क्योंकि हमारे बाप दादा तो इसको खाते ही पीते थे। तो आज के जमाने की जो इतनी बड़ी बड़ी आपको गोलियां खानी पड़ रही है, वो गोलियां बंद हो जाएंगी। जी हाँ, वो गोलियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज आपके लिए या आज के जमाने की जो बीमारियां हैं उसके लिए परफेक्ट है। आपने जैसे कि थंबनेल का टाइटल पढ़ा होगा, जबरदस्त है जौ, वातपित्त कफ की दवा। जी हाँ, जौ जिसे कि बार्ली कहते हैं, इसका नाम आजकल ज्यादातर लोग बार्ली बोलो तो उन्हें समझ में आता है। उसका जो संस्कृत नाम है वो यव है, यव। तो संस्कृत में यव, हिंदी में जौ और इंग्लिश में बार्ली जिसे कहा जाता है, वो एक ऐसी चीज है जो कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन के तीनों रोगों में खाने के लिए कही जाती है। खास करके कफ और पित्त के रोगों में तो ये एक ऐसा अन्न है जिसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, चलिए जानते हैं। आज के वीडियो का जो रेफरेंस है वो है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 46। सुश्रुत ऋषि कहते हैं कि इसका जो टेस्ट है जौ का, वो कषाय मधुरा हिमश्च है। कषाय है, कसैले टेस्ट की है। अब पिछले कई सारे वीडियोस में हम बात करते हैं कि भाई आयुर्वेद कहता है कि 6 तरह के रस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला। उसमें से बहुत बार लोगों को डाउट होते हैं, ठीक है मीठा समझ में आता है, खट्टा नमक भी आता है, तीखा कड़वा भी हम लोग खा लेते हैं, ये कसैला क्या होता है, कसैला मतलब समझ में ही नहीं आता, या कसैली चीजें कौन सी है। कसैली अर्थात आप आंवला खाते हो, जो पहला टेस्ट फील होता है मुंह में, उसको कसैला कहते हैं, एस्ट्रिजन इंग्लिश में जिसको कहते हैं। जो जौ का विशेष टेस्ट है ना, वो कसैला है, कषाय रस की है। इससे ये बेनिफिट होता है कि कषाय रस एक ऐसा रस है, अर्थात जो ये जौ का टेस्ट है, वो कफ और पित्त से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, खास करके गर्मी, मोटे लोग जिनको गर्मी बहुत होती है, मोटे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मोटापे के साथ डायबिटीज है, या मोटे हैं एसिडिटी बहुत होता है, कफ पित्त रिलेटेड जो प्रकृति है, और आज के जमाने की आप जो मैक्सिमम बीमारियां देखेंगे, ब्लॉकेज हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, और फाइब्रॉइड यूटेरस, हाइपोथायराइडिज्म, ब्लॉकेजेस, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसमें ये टेस्ट बहुत उपयोगी है, काम का है। जौ के अंदर ये है, फिर मधुरे बताया है मीठा, ये ठंडी है नेचर में। आज की जब बीमारियों को हम देखते हैं तो मैक्सिमल जैसे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हीट बढ़ रहा है, सब कोई ना कोई गर्मी से रिलेटेड जो बीमारी होती है, खून में गर्मी है, शरीर में गर्मी है, दिमाग में भी लोगों के गर्मी है। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फायर, ऐसे लगता है बस फटने के लिए तैयार ही बैठे हैं। उन तरह के लोगों के लिए जौ का सेवन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ठंडी है नेचर में। अब किन किन बीमारियों में आयुर्वेद में इसको विशेष उपयोगी कहा है वो जानते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं व्रणस्तु, अर्थात आपके शरीर में कोई इंजरी हुई है, कोई वुंड हुआ है, कोई घाव लगा है, कोई चोट लगा है, ऐसे में ये बहुत अच्छा है। अब शरीर में घाव क्या क्या हो सकता है, अल्सर्स जानते हैं आप? जी हाँ, वो आपके शरीर का एक टाइप से घाव ही है। जैसे मुख पाक, कई लोगों को छाले आते हैं मुंह में, वो माउथ अल्सर, जब उसको भरना है। जब आपको अल्सर होता है, वो चाहे ड्यूओडेनल अल्सर हो या पेप्टिक अल्सर हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां हो, पेट में बहुत गर्मी के कारण अगर आपको छाले हुए, घाव हुए हैं, तभी बहुत अच्छा है। डायबिटीज वाले जो पेशेंट है, उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक बार उनको अगर कोई घाव हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, वो घाव ही नहीं ठीक होता, एंटीबायोटिक ये सब कुछ खा खा के परेशान हो जाते हैं, पर वो घाव है कि सड़ते ही जाता है। बहुत बार वो गैंग्रीन में कन्वर्ट होता है, फिर उसको कट करना पड़ता है। ऐसे टाइम पे अगर आपके खान पान में कोई एक चीज होना ही चाहिए जो कि वुंड हीलिंग में, घाव भरने में मदद आपकी करेगी, तो वो जौ है। हॉस्पिटल्स में ये जो बिस्किट विस्किट नाम की कचड़ा दिया जाता है खाने के लिए, कि चाय और बिस्किट हॉस्पिटल में दे रहे, भाई पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, एडमिट है, सिजेरियन सेक्शन ऐसा कुछ हुआ है, उसको क्या दे रहे हैं हम नाश्ते में, चाय दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, उसका घाव बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ऐसे लोगों को उल्टा बार्ली या फिर जौ के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाकर दे, चाहे उसका पानी हो, जौ की रोटी हो या जौ का सत्तू हो, ऐसी चीजें देंगे तो वो घाव बहुत तेजी से भरेगा। तो आपको कोई भी तरह की चोट लगी है शरीर में, किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन आज के जमाने में कहे वो हुआ है, या एक्सीडेंट होने के कारण कोई ऑपरेशन हुआ है, तब इसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। इसका एक और फायदा इसे बताया है कि नित्यम पथ्यम कहा है, मतलब ये हमेशा यूजफुल है। बहुत बार ऐसे क्या होता है कि हम जब कोई चीज खाते हैं तो अपने ब्रेन में आता है कि यार ये वात बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा, किसको खाना चाहिए, पतले को खाना चाहिए, मोटे को खाना चाहिए, किसको, ऐसे बहुत सारे डाउट होता है। ये उन सेफ चीजों में से एक है जिसको आप हमेशा हर कंडीशन में, हर जगह,
हर कोई लगभग यूज कर सकता है, इतनी अच्छी ये दवा है। या फिर कहें कि ऑल टाइम सुटेबल अगर कोई मेडिसिन या कोई खान पान ढूंढना है आपको तो बार्ली या फिर जौ उसमें बेस्ट है। ये जो बहुत ज्यादा लोगों को यूरिन होता है उसमें ये कमाल की दवा है। तो ये किस लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी? ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा यूरिन बार बार पेशाब होते रहता है, चाहे वो रात में हो दिन में हो, या डायबिटीज के जो पेशेंट है, या प्री डायबिटिक, आजकल एक बहुत शब्द चलता है कि भाई आप प्री डायबिटिक नहीं, आप प्री डायबिटिक है, आपको कभी भी डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए भाई आप जौ खाना चालू कर दो, वो प्री डायबिटिक्स आपका कभी डायबिटीज में नहीं जाएगा, इतनी अच्छी दवा है। तो किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें आपको बहुत बार बार पेशाब होता है, पॉलीयूरिया जैसे जो रोग हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको आयुर्वेद में थोड़ा सा वात बढ़ाने वाला कहा है, पर वात बढ़ाने वाला होकर भी इसको वात के रोगों में इसको यूज करने बोला है, कैसे तो आगे वीडियो में जानेंगे। पहले इसके और क्या क्या फायदे हैं वो देख लेते हैं। स्थैर्य अग्नि मेधा ऐसे करके शब्द आया, मतलब ये आपके शरीर में स्थिरता लाता है। अब शरीर में स्थिरता मतलब केवल ऐसे नहीं कि आप एक जगह स्टिफ हो जाएंगे, जो मन की चंचलता है, मन आजकल यूट्यूब पे आप देखेंगे ना तो ज्यादा सोचो, ज्यादा सोचने के कारण ज्यादा इसके कारण उन सारे वीडियोस को लोग इस तरह से देखते हैं कि जैसे मतलब हर एक को यही प्रॉब्लम है कि अरे मेरे दिमाग में बहुत विचार है, मैं शांत नहीं होता, दिमाग का ये वो ऐसा वैसा, हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, दिमाग चुप नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनका दिमाग शांत नहीं होता उन्हें जौ खाना चाहिए। आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव हैं, शांति नहीं होते, हमेशा तोड़ फोड़ करते रहते, या कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा उछलता कूदता हमेशा फायर हुआ रहता है, उसको जौ की चीज़ें खिलाइए घी के साथ, वो शांत हो जाएंगे, ये शरीर में स्थिरता लेके आता है। इसे मेधा ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक बोला है। तो जैसे कि पहले कहा ऐसे लोग जो दिमागी रूप से एकदम फायर है, दिमागी रूप से चंचल है, दिमाग को शांत करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा टॉनिक चाहिए जो खा पी के उनके शरीर और ब्रेन के लिए बेस्ट हो, जौ अच्छा है, अग्निवर्धक है, पाचन बढ़ाता है। आज के ज़माने में जब कुछ ना कुछ लोग खाना ही नहीं हजम होता, खाने का बहुत मन करता है पर खाना जैसे सामने आता है तो मन ही नहीं करता, जबरदस्ती खा लिया तो हजम नहीं होता, तो उसके लिए कुछ गोली चूरण चटनी पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। वही आपको ऐसा खाना खाना है जो खाने में मजा भी आए, जो खुद ही हजम हो और आपकी अग्नि भी बढ़ा कर दे, तो जौ परफेक्ट है, जौ खाइए ना। फिर आगे इसके फायदे बताते हैं। स्वर वर्ण, जिसको गला अच्छा करना है, गले से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो, चाहे गले से रिलेटेड आप अनाउंसमेंट करने वाले हो, कुछ भी यहाँ से रिलेटेड है, मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचर हो, कुछ भी हो और बहुत गला यूज़ करते हो तो जौ आपको ज़रूर खाना चाहिए। और एक फ़ायदा कहते हैं वर्ण, अगर आपको चेहरे का सच में कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करना है, चेहरे की रंगत बढ़ानी है, चेहरे का ग्लो बढ़ाना है, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा कोई एक फूड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लिपाई पोताई तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं पर बहुत बार फ़ायदा नहीं मिलता, और खा पी के ऐसा चाहिए कि भाई चेहरा भी अच्छा हो शरीर भी पतला हो। महिलाओं को सबसे अगर कोई एक चीज़ घर में लाना चाहिए, दुनिया भर का जो आप उठाकर मार्केट से लाते हैं उन सबको साइड में रख के पहले आप जौ लेके आओ। महिलाओं की सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है? हमको पतला दिखना है, हमको सुंदर दिखना है, बस ये दो सबसे बड़ी आपकी डिमांड है। जौ के अंदर दोनों क्वालिटी है, ये मोटे को पतला भी करता है और ये सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। तो आपको जौ के जितने प्रोडक्ट है या बार्ली की जितनी चीज़ें आप घर पे पूड़ी कचौड़ी से लेके इसका हलवा या फिर इसका सत्तू इसकी रोटी आपको जो बनाकर खाना है इसका यूज़ जरूर कीजिए, खास करके मोटे लोगों के लिए। अगर हम थोड़ा प्रिफ्रेंस भी दें कि भाई पतले आदमी को ज़्यादा खाना चाहिए कि मोटे आदमी को, तो ऐसे कहेंगे कि जो कोई भी मोटापे से पीड़ित है, अगर आप दुनिया में कोई एक दवा ढूंढ रहे हो कि वजन कम करने के लिए हमको कुछ ऐसा बता दो जो 100% काम करे ही करे, तो इससे बढ़कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये इतनी कमाल की दवा है। आप मोटे हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, आपको जोड़ों का दर्द होता है, आपकी चर्बी इतनी बड़ी है कि आप चल फिर भी नहीं पाते, कमर उमर हर जगह फैटी फैट भरा हुआ है, घटाना है जौ खाओ, कमाल का रिजल्ट इसका मिलता है। एक विशेष व्याधि में इसका यूज बोला है, मेद मारुतावृत, अर्थात मोटे लोग जिनको वायु की तकलीफ है। अब बहुत बार क्या होता है जब कोई वायु का पेशेंट आता है, या हमने वात प्रकृति वाला जो वीडियो डाला है उसमें हमने आपको बताया है कि भाई वायु की तकलीफ हो, वात वाले पतले होते हैं तो उनको तेल मालिश करना चाहिए, मीठा ये सब खाने चाहिए। कई सारे लोग का सवाल था हम लोग वात प्रकृति के हैं पर पतले नहीं मोटे हैं तो हम क्या करें, हम क्या खाएं, हम तेल लगाते हैं तो हमारा दर्द बढ़ जाता है, या मीठा खाते हैं तो और वजन बढ़ रहा है, गैस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ढकार आती है, पेट ज़्यादा फूल जाता है, घुटना दर्द कमर दर्द ये सब हो रहा है, वजन भी बढ़ा है वायु भी बढ़ी है, तो क्या करें?
अगर ऐसा है कि वजन और वायु दोनों बड़ी है तो ये परफेक्ट आइटम है। बार्ली आपके लिए बेस्ट दवा है। इसको तो अगर कोई आपको 1000 रुपया किलो देना तो भी ले लेना चाहिए। ये इतनी कमाल की दवा है। अगर आपका वजन भी बड़ा है और वायु की भी तकलीफ है, गैसेस की भी तकलीफ है, क्योंकि मेद बहुत बार क्या होता है, वायु का काम है शरीर में घूमते रहना, ब्लड सर्कुलेशन वेशन से लेके हर चीज वो करती है। मोटापे ये सब में क्या होता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन आता है, आवरण आता है, जिसको कि आयुर्वेद में आवृत कहते हैं। जब वायु अपना काम नहीं कर पाती तो वो जहां पर फंसती है उस जगह पे दर्द करती है खास करके। ठीक इस तरह की बीमारियों में जब अपने को ब्लॉकेजेस भी ओपन करने हैं, उस वायु को भी शांत करना है, जौ का सेवन विशेष रूप से कीजिए। फिर इसके बारे में और कहा, अति रूक्ष, ये बहुत ज्यादा रूक्षता लाती है, ड्राइनेस लाती है, फायदेमंद है, अच्छा है। क्यों? आज के जमाने की जब आप बीमारियां देखें तो सबसे ज्यादा तेल, घी, ऑयली चीजें खा के हुए हैं। बहुत कम ही पेशेंट ऐसे हैं जो सच में ड्राई बॉडी लेके आते हैं, नहीं तो मैक्सिमम पेशेंट ऐसे हैं कचौड़ी, समोसा, पिज्जा और पता नहीं तेल का जो कुछ वो मिलता है उबाल उबाल के, भर भर के अपना गाठिया, सेव, खमन उमन सब कुछ खा के आते हैं। एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा तेल, सब कुछ शरीर में भरा हुआ है। ऐसे लोगों को हम क्या दवा दे, क्लिक ही नहीं होता। या बहुत बार होता है कि यार इसके अंदर सब कुछ बिगड़ा है, इसको दे तो दे क्या। तब आपको, अगर आपने ज्यादा तेल, घी भी, ऑयली खा लिया है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, जौ खाओ, बहुत अच्छे से उस एक्स्ट्रा जो तेल या घी या फैट जो बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा, शेप में बॉडी लेकर आएगा और वजन भी कंट्रोल करके देगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मुंह सूखने की समस्या है, गर्मी के मौसम में ऐसे होता है, तो आप देखेंगे कि इसी जौ का, जो बार्ली का जो सत्तू बनता है वो खाने की परंपरा है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा मुंह सूखने की तकलीफ है उनके लिए बहुत अच्छा है। और खून को साफ करना है, पित्त को कंट्रोल करना है तो बेस्ट है। एक और खास लोगों में इसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, आजकल गांठ के बहुत सारे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है और उसमें कई सारे लोगों को लाइपोमा जैसी बीमारी बहुत हो रही है। कुछ तो ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में 100-100, 200-200 गांठ है, बढ़ती ही जा रही है, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करके निकाल दो, इसके अलावा कुछ है नहीं। ऐसी तकलीफ है, अगर शरीर में गांठें बढ़ रही हैं, खून भी खराब हो रहा है, गर्मी भी बहुत लगती है, तब ऐसे में गेहूं जैसी जो चीजें हैं उनको खाना छोड़ के अगर आप जौ, बार्ली की रोटियां बनाकर खाएं या उसका सत्तू, ऐसी सारी चीजें खाएं तो ये बहुत अच्छा है। तो वात, पित्त, कफ सभी के सभी रोगों में इसे खा सकते हैं। हाँ, वात वाले लोग थोड़ा ध्यान रखें कि वात में आप जब भी खा रहे हैं, क्योंकि ये ड्राई ज्यादा है, तो आप घी लगाकर खाएं, इसकी जब आप रोटी बनाएंगे घी लगाकर खा लें। बाकी जो पित्त और कफ से परेशान लोग हैं वो डायरेक्ट भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो इसका क्या क्या बना सकते हो भाई, बार्ली लेके आओ, उसका आटा पिसा लो, जौ का आटा पिसा लो, अब किराने की दुकान में ही आपको मिल जाएगा या मेडिकल शॉप में भी आजकल बार्ली मिलने लग गई है, उसको लाके उसका आटा बना लो। उस आटे का आपको जो जो समझ में आता है, कचौड़ी, पूड़ी, हलवा या फिर सत्तू, जो कुछ भी आता है वो आप खा सकते हैं। इसका पानी, इसको पानी में आप उबाल कर, जैसे धनिया का हमने पानी वाला वीडियो बताया था, उस तरह से जौ का भी पानी आप उबाल कर बना सकते हैं, वो सारा पानी पीजिए। तो भाई ये जो आप अगर ऐसे हैं तो 6 महीने में आप ऐसे हो जाएंगे, इतना कमाल है जौ का। तो वात, पित्त, कफ या आज के जमाने की जो भी बीमारियां हैं उसके लिए जौ सबसे जबरदस्त मेडिसिन है। तो उम्मीद है कि आप लोग जौ का सेवन जरूर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।